नमस्कार दोस्तों, यशस्वी एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है दोस्तों, और ये जो टेक्स्ट है ये आपने देख रहे होंगे, ये टेक्स्ट मैं कुछ हफ्ते पहले अपडेट किया था। इसको आप देखेंगे तो आपको ट्रेडिंग व्यू के साइट में भी मिलेगा, हमारा ट्विटर हैंडल में भी मिलेगा और हमारा टेलीग्राम चैनल में भी मिलेगा। इसमें हमने आपको लेवल मेंशन किए थे, फर्स्ट लेवल 23,724 और सेकंड लेवल है 26,587 और सपोर्ट उसका लेवल था, और सपोर्ट लेवल भी आपको एक्सप्लेन किया था दोस्तों। सो बैंक निफ्टी काफ़ी बुलिश लग रहा है, ये वीकली चार्ट है और डेली चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। सो ये डेली चार्ट है, तो डेली चार्ट में मोमेंटम देखिए, फर्स्ट लेवल था जो अचीव हो गया है 23,000। अभी नेक्स्ट जो लेवल है वो है 26,587, मोस्ट प्रोबेबली ये भी लेवल जो यहाँ से हो जाएगा। अभी निफ्टी को देखते हैं दोस्तों। सो निफ्टी में एक काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम चल रहा है, और ये पहले ये वाला चैनल में चल रहा था, उसके बाद ये एक वेज काइंड ऑफ पैटर्न बना था, लेकिन उसके बाद एक ये वाला पैटर्न ये चैनल पकड़ लिया है, और इस चैनल के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा था, और वो रेजिस्टेंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये हो गया था, रेजिस्टेंस बना था, उसको भी ब्रेक करके आगे ऊपर मोमेंट जारी है, और ये मोमेंटम और भी जारी रह सकती है जब तक ये लेवल को ये होल्ड करता है। मतलब 11,270 लेवल जब तक होल्ड करता है, और यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है तो इसमें न्यू हाई लगने की संभावना है दोस्तों। इसका वीकली चार्ट भी हम लोग देखते हैं फटाक से। वीकली चार्ट में देखेंगे तो वीकली चार्ट में आपको रेजिस्टेंस कई ज़्यादा नज़र ये देख सकते हैं, 12,000 लेवल्स के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है, उसके बाद जो अर्लियर हाई है वहाँ पे, सो मोस्ट प्रोबेबली ये प्रीवियस हाई जो था उसको भी ब्रेक करेगा, और ये फर्स्ट जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा। 12,000 और लेवल्स आप देख सकते हैं 12,000 के आसपास। सो अभी यहाँ से 12,000 पहला लेवल दिख रहा है, उसके बाद हम देखते हैं बैंक के कुछ स्टॉक्स। सो पहला बंधन बैंक हम देखते हैं। सो बंधन बैंक एक शार्प फॉल आने के बाद दोस्तों एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे, ये हमने पहले वाला लेवल से अपडेटेड था 185 से, सो इसको मैं डिलीट मारता हूँ दोस्तों, इसका अभी ख़त्म हो गया। सो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बन रहा है। बंधन बैंक का वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं, तो बंधन बैंक में ये पैटर्न जो जनरेट हो रहा है, ये पैटर्न आप देख सकते हैं, एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न आपको दिख रहा होगा दोस्तों, और इसका ब्रेकआउट भी यहाँ पे दिया है दोस्तों, देख सकते हैं। सो ये है फ्लैग पैटर्न, और इसका फ्लैग एंड पोल का इसका ब्रेकआउट भी दे दिया है, और मोस्ट प्रोबेबली बंधन बैंक के जो टारगेट आएंगे, बंधन बैंक के टारगेट आप देखेंगे तो टारगेट फर्स्ट जो लेवल है, टारगेट लेवल है ये जो फर्स्ट लेवल आएगा तो 414 के आसपास आएगा, उसके बाद जो रहेगा दोस्तों यहाँ से बंधन बैंक का ये मूवमेंट, मोस्ट प्रोबेबली ये आने वाले एक साल के आसपास ये 600 का लेवल छुएगा दोस्तों, तो यहाँ से डबल होने का कैपेसिटी बंधन बैंक में है। लेकिन ट्रेडर्स के लिए 400 का आसपास का लेवल अभी आपको विजिबल है दोस्तों शॉर्ट टर्म में, तो 400 के आसपास का लेवल को आप वॉच कर सकते हैं, और यहाँ पे एक बेस बना दिया है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और 260 के नीचे ये जाते हुए नहीं दिखेगा अभी। उसके बाद हम देखेंगे IDFC फर्स्ट बैंक दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक में भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है, ये लेवल देख सकते हैं आप, यहाँ पे अच्छा खासा बेस बनाने के बाद यहाँ से अभी ये एक ऊपर का मोमेंट ले लिया है, और ये मोमेंटम में
अपर डायरेक्शन में चल रहे हैं, और इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है लगभग 39 के आसपास आ रहा है दोस्तों। 39 को ब्रेक करने से ये भी आगे ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक में एक फ्रेश ब्रेकआउट आया दोस्तों, वीकली चार्ट में आप देखेंगे तो एक फ्रेश ब्रेकआउट के साथ इस इंडसइंड बैंक को हम लोग एकदम लोएस्ट लेवल में आपको अपडेट किया था, जो अगर हमको फॉलो कर रहे हैं तो उनको पता होगा। मैं वीकली चार्ट में फटाफट दिखा रहा हूँ, और ये काफ़ी लंबी गिरावट के बाद अभी वापस से एक स्ट्रांग मोमेंटम इसने दिया है। पिछले हफ्ते का मोमेंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा लगभग 29% का उसने मोमेंट पिछले सप्ताह में दिया है दोस्तों। सो ये इंडसइंड बैंक हो गए। उसके बाद हम देखते हैं आईसीआईसी बैंक। सो आईसीआईसी बैंक का भी सिचुएशन आप देखेंगे तो काफी तगड़ा मूवमेंट दिख रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं आईसीआईसी बैंक ये एक सपोर्ट का काम करेगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो जोन था ये एरिया को ये ब्रेकआउट किया, और यहाँ से ये भी ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ से ये कम से कम 520 के आसपास जाएगा यहाँ से, तो उसको आप ध्यान में रखिए आने वाले कुछ समय में। कुछ समय तक कंसोलिडेट हो सकता है, ये मेरा नज़रिया थोड़ा लंबा है दोस्तों। ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट लेवल्स रहता है, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों आप लेटेस्ट अपडेटेड लेवल्स के लिए। सो SBI भी देखते हैं दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PSU बैंक में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखेंगे तो ये हमने पहले से मार्क किए वाले कुछ जोन्स है दोस्तों, उसको इग्नोर कीजिए। लेकिन जो अभी प्रेजेंट जो ब्रेकआउट आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, इस तगड़ा ब्रेकआउट है, और इसमें भी आप देखेंगे तो एक जोरदार तेजी यहाँ से नजर आ रही है दोस्तों, और ये लगभग 300-320 के आसपास यहाँ से आराम से चले जाएगा दोस्तों। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आप ध्यान में रखिए, और इसके साथ ही साथ हम HDFC को नहीं भूल सकते दोस्तों। सो HDFC बैंक को भी देख लेते हैं। तो HDFC बैंक में उस टाइप का मोमेंटम नहीं है, सॉरी ये पहले वाला डिलीट कर देते हैं, इग्नोर कीजिए सॉरी दोस्तों। सो HDFC बैंक ये वाला लेवल को आपको वॉच रखना है, ये लेवल ब्रेक करने से ये अगेन 1250-1300 के आसपास जाएगा। HDFC भी देखते हैं। सो HDFC देख लेते हैं। सो HDFC में हमको यहाँ पे आपको ये नजर रखना है, ये वाला लेवल, ये थोड़ा पुल अप चल रहा है, इसको नजर रखना है आपको। ये लेवल जब ब्रेक होगा तभी आपको यहाँ पे एंट्री करना है दोस्तों। यहाँ पे अभी ये असेंडिंग ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न जनरेट हो रहा है, और ये ब्रेकआउट अगर दे दिया तो यहाँ से अच्छी खासी तेजी लगभग 2200-2300 लेवल्स यहाँ से आराम से आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो इसको आप ध्यान में रखिए दोस्तों। सो बैंक में ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है दोस्तों, बैंक को आप वॉच में रखिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार का बादशाह है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में आप फ्लैग एंड पेनेट काइंड ऑफ पैटर्न है वीकली में, उसको ध्यान में रखिए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर यहाँ से और ब्रेकआउट दे दिया सो ये अभी नेक्स्ट जो 2400 के आसपास जाने का एक पॉसिबिलिटी दिखा रहा है दोस्तों। सो इसको ध्यान में रखिए। और TCS देखते हैं। TCS में थोड़ा सा करेक्टिव फेज में है दोस्तों, और TCS एक अपना काफी तगड़ा रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगेन उसी जोन में आ रहा है। सो उसको आपको वहां पे मॉनिटरिंग में रखना है दोस्तों। ये पोर्शन आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ये वाला जोन है, ये काफी तगड़ा रेजिस्टेंस था यहाँ पे, और उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसी लेवल में अभी घूम रहा है। सो यहाँ पे TCS में एक अच्छा मोमेंटम आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, अगर ये यहाँ से 2200 के ऊपर सस्टेन करता है तो आने वाले हफ्ते में, तो नया एक मूव देखने को, अदरवाइज आपको